फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। बच्चों का नाखून चबाना न सिर्फ एक बुरी आदत है बल्कि इससे सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों में ये बुरी आदत होती है बल्कि कई बड़े लोगों में भी ये लत होती है। ये बुरी आदत कई बार शर्मिंदा तो कराती ही है, कई बीमारियों को भी दावत दे देती है। बच्चे हों या बड़े, टोकना सबसे जरूरी है। बच्चों को टोकने के लिए बड़े हैं, लेकिन काफी उम्र होने के बाद भी ये आदत नहीं गई तो किसी करीबी को बोलें कि वो जब भी आपको देखे जरूर टोके। ऑफिस हो या घर, लोगों से कहें कि वो आपको बताते रहें कि आप कब ऐसा करते हैं। नाखूनों को ट्रिम करें, हर 7 दिन में नाखून काटें। जब नाखून कटे रहेंगे तो गंदगी अंदर नहीं जाएगी और चबाएंगे भी कैसे। लड़कियों के लिए ये आदत छुड़ाने का एक अनोखा तरीका है। नेल आर्ट से भी नेल बाइटिंग जैसी गंदी आदत को छुड़ा सकते हैं। जब भी आप मुंह में हाथ डालेंगे तो आर्ट याद दिलाएगी कि कितनी मेहनत की है, खराब हो जाएगी। लेकिन ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। कई लोग नाखून तब चबाते हैं जब डरे हुए होते हैं या फिर खाली बैठे हैं। ऐसे में खुद को बिजी रखें, किसी न किसी काम में व्यस्त रहें। कुछ समय के बाद ये आदत खुद ही खत्म हो जाएगी। कैल्शियम का टेस्ट कराएं, क्योंकि हो सकता है कि नाखून चबाने की आदत कैल्शियम की कमी के कारण हो। कैल्शियम से भरपूर भोजन लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।